नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। नाइजीरियाई वायुसेना ने गलती से शरणार्थी शिविर पर गिराया बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग जख्मी। आतंकी संगठन बोको हरम पर किया जाना था हमला। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन के नए स्वरूप का खाका खींचा, कहा 2 सालों के अंदर ईयू के एकल बाजार को छोड़ेगा ब्रिटेन, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ब्रेक्जिट समझौता। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दावा, 7.7% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, मजबूत निजी खपत और घरेलू स्तर पर सुधारों की शुरुआत से मिलेगी मदद। दुनिया की पासपोर्ट रैंकिंग में 78वें पायदान पर भारत, 196 देशों की इस सूची में 157 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष पर जर्मनी, तो वहीं अफगानिस्तान को मिला अंतिम स्थान। और उत्तर चीन के शांगसी प्रांत में ढही कोयला खादान, 9 कर्मियों की मौत, कई जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।